अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल बॉय 5000। आज एक और नई वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं। क्या आप लोग भी अपनी वीडियो का जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर करना चाहते हैं? आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी वीडियो का बैकग्राउंड जो है उसको ब्लर किया हुआ है। वो मैंने किस तरह किया है वो तमाम तरीका आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। आपने बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो तो देखी होंगी, उनका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर इस तरह होता है कि उनके पास बड़े बड़े कैमरे होते हैं जिनसे वो अपनी वीडियो को शूट करते हैं, तो उससे वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाता है। लेकिन हमारे पास तो छोटे छोटे मोबाइल होते हैं जिससे हम अपनी वीडियो को शूट करते हैं। मैं जिससे अपनी वीडियो को शूट करता हूँ वो भी एक छोटा सा मोबाइल है जिससे मैं अपनी वीडियो को शूट करता हूँ, और शूट करने के बाद फिर मैं अपनी वीडियो का जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर करता हूँ। ये तरीका आप भी अपना सकते हैं और अपनी वीडियो को प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो बात कर लेते हैं कि आपने किस तरह अपनी वीडियो का जो बैकग्राउंड है उसको आपने किस तरह ब्लर करना है, कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करना है, कौन सा ऐप आपने डाउनलोड करना है कि जिसके डाउनलोड करने से, जिसके यूज़ करने से आप अपनी वीडियो का जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर सकेंगे और अपनी वीडियो को प्रोफेशनल बना सकेंगे। तो आपने कोई और ऐप डाउनलोड नहीं करना। आपने इनशॉट का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, अगर आपने नहीं सुना तो आपने प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप यूज़ करते भी हैं तो आपको ये पता नहीं होगा कि आपने किस तरह इससे अपनी वीडियो का जो बैकग्राउंड है उसको किस तरह ब्लर करना है। वो तरीका आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम तरीका समझाऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, इससे आपको समझ जो है वो नहीं आएगी। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि आपने किस तरह अपनी वीडियो का जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर करना है और अपनी वीडियो को प्रोफेशनल बनाना है।
जी, तो लोडिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, और कंप्लीट होने के बाद अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है वो अच्छी तरह ब्लर हो चुका है। मैं आपको वीडियो चलाकर भी दिखा देता हूँ। मैं साउंड जो है वो स्लो कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है। आपने पहले भी देखा कि बैकग्राउंड वो ब्लर नहीं था, अब आप देखें कि अच्छी तरह वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है। इसके बाद आपने जो करेक्ट वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फिर आपने सेव का जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। बाद आपने रिसोल्यूशन जो है इसके बाद आपने रिसोल्यूशन जो है इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से 1080 जो है इस पर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फिर आपने सेव पर क्लिक कर देना है, और आपकी जो वीडियो है वो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही आज की हमारी वीडियो है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको आपने कर देना है लाइक, और हमारे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए।